हेलो एवरीवन। तो आज हमारे घर पे बनने वाली है एक और नई स्वीट, तो कैसे हो आप सब लोग वो बताना। और जय श्री कृष्ण। तो इस स्वीट का नाम है पूरन पूरी। इसके लिए सबसे पहले हमें तूर दाल और चने की दाल को एक समान माप का लेना है। जैसे कि एक बोल आपने तूर दाल ली है तो एक बोल आपको चने की दाल लेनी है और इसे बॉयल कर देना है। बॉयल करने के बाद इस तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, फिर इसे ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के लिए आप मिक्सर जार में भी कर सकते हो और इस तरह से ब्लेंडर से भी इसको ग्राइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हमने ग्राइंड कर दिया पूरा का पूरा। इसका ना हमें मावा बना देना है। फिर इसे एक बड़ी सी कढ़ाई में निकाल लेंगे और इसके अंदर हमें ऐड करना है गुड़ और थोड़ी सी शक्कर, दोनों ऐड करेंगे। गुड़ अगर आपके पास देसी हो तो देसी गुड़ भी ऐड कर सकते हो और दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अपनी मिठास के अनुसार हमें ऐड करना है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ना इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे काजू और बादाम को ऐड किया है। आप इसके एकदम छोटी छोटी सी कतरन करके भी ऐड कर सकते हो या फिर ऐसे टुकड़े टुकड़े भी ऐड कर सकते हो। अगर आप एकदम पतली बनाते हो तो इसकी एकदम कतरन बना देना, जिससे कि आपको बेलते टाइम पे इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर इसे मिक्स कर देना है और फिर इसे चढ़ा देंगे गैस के ऊपर और इसे गर्म करने रखना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होगा कि जैसे आप गर्म करते जाओगे ये थोड़ा सा ढीला होता जाएगा और एक बार ढीला हो जाए, एकदम ही रनी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा, फिर इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक होने लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हो अभी तो ये ठीक है, पर जैसे जैसे आप इसे मिक्स करोगे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पानीदार होती जाएगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ढीला हो जाएगा और फिर इसे थोड़ा और उबालना पड़ेगा। जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हमें इसे उबालते रहना है। अभी इसके अंदर ऐड करेंगे कोपरा। कोपरे की जो छीन होती है वो ऐड करनी है, हमने यहाँ पे वही ऐड किया है। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आप इसके अंदर एडिशनल और भी कुछ ऐड कर सकते हो जैसे कि मिल्क पाउडर और वो सब, पर हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे। तो ये देखिए ये ना इसका बहुत ही छींटे उड़ते हैं, तो आप ज़रा संभाल के बनाना। फिर इसके अंदर ऐड किया है इलायची पाउडर और थोड़ी सी ऐड करेंगे खसखस। खसखस यानी कि जो पॉपी सीड्स होते हैं वो ऐड करने हैं। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब ये धीरे धीरे ना गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। अब इसका हमें ठंडा करना है थोड़ा सा, और ठंडा करने के बाद हम रोटियां बेलेंगे। रोटी बेलने के बाद ना इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग में जो हमने पूरन बनाया वो ऐड करना है। अब इसे आप इस जिस तरह से मम्मी दिखा रही है वैसे भी आप इसको बेल सकते हो, और आपको मोमो बना के फिर उसको बेलना हो तो वैसे भी बेल सकते हो। तो ये वाली जो ट्रिक है वो आसान है, आप ट्राई करके देखना। इससे फटेगा भी नहीं और अच्छे से सील भी हो जाता है। इस तरह से पैक कर देंगे, दोनों साइड से निकाल देना है, ऊपरा ऊपरी दोनों फ्लैप को बंद कर देना है और अब इसे बेल देना है। तो ज़्यादा नहीं बेलना है। अगर आपको मोटी पसंद है तो आप ऐसे ही खा के देखना, बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर घी घी वाली जो आप करके डालोगे ना मुँह में, तो आहा हा आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे और इसे फिर निकाल देना है। घी से सेकना है और फिर निकालना है प्लेट में। तो दोनों तरफ से घी से अच्छे से सेकेंगे और ऊपर से भी इतना सारा घी डालना है तो ही अच्छी लगेगी। घी के साथ ही अच्छी लगती है यार, ये किसी और में अच्छी नहीं लगती। हम तो घी में ही सेकते हैं और घी के साथ ही खाते हैं। तो बस दोनों यहाँ पे हमारी जो पूरन पूरी है वो तो तैयार हो गई है। अब ऊपर से भी घी डाल दिया है, तो देयर इट इज। तो आप भी ट्राई करना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।